सो फ्रेंड्स, आज हमारे पास आई है R15। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम ऐसा है कि ऑयल पानी दोनों मिक्स हो जा रहा है। तो किस कारण की वजह से ऑयल पानी मिक्स हो जा रहा है, उसका हम इस वीडियो में डायग्नोस करेंगे और क्या प्रॉब्लम किस चीज़ में दिक्कत है वो हम बताएंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे साथ बने रहिए आपकी अपनी चैनल BM जोन में। तो हम शुरू करते हैं इस गाड़ी का काम। अभी हम इसका दोनों साइड का पूरा बॉडी खोल लेंगे ताकि हमें काम करने में आसानी रहे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें ऑयल पानी मिक्स हो चुका है। ऑयल का कलर देखिए, तो इसमें ये दिक्कत है, ऑयल और कूलेंट मिक्स हो रहा है। तो अभी उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा इसका वाटर पंप, क्योंकि R15 में वाटर पंप की जो ऑयल सील है वो ज़्यादातर ख़राब होती है। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले इसकी ऑयल सील का काम करके। तो आपने देखा इधर ऑयल पानी मिक्स हो रहा है, तो सबसे पहले हम जो है इसका वाटर पंप खोल के देखते हैं कि ऑयल सील फट गया है कि क्या है जिसके कारण से ऑयल पानी मिक्स हो रहा है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी ऑयल पानी मिक्स हुआ है, इसकी वजह से हमें वाटर पंप का ही काम करना पड़ेगा। ये किसकी वजह से हुआ है वो भी चेक करते हैं। तो ये पैकिंग देखे तो पैकिंग तो सही दिखा रहा है। देखते इसको पहले बाहर निकालते, फिर आगे का देखते हैं। यहाँ पे ऑयल मिक्स हुआ है, अभी किस कारण से हुआ है वो भी हमें देखना पड़ेगा। अभी जो है हम इसका आगे का वाटर पंप खोलते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ दिक्कत है। अभी हम इसको पूरा खोल के देखते हैं। हम देख सकते हैं, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए कितना प्ले आ रहा है। तो अभी जो है हम पंप को पूरा खोलते हैं। तो खोलने से पहले हमें ये वाली जो पट्टी है उसको खोलनी पड़ेगी। खोलते हैं पट्टी, फिर आगे देखते हैं क्या है। अभी हमने ये खोल लिया है और इसको ऐसे घुमा के ऊपर करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे घुमा के इसको आराम से निकालना है। ये देखिए, ये निकल गया। ये जो पट्टी है यहाँ पे लॉक सिस्टम का काम कर रही है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये आगे वाला जो चक्कर है हमारा, ये वाला चक्कर, इसको बाहर निकालने के लिए, मतलब डायरेक्ट बाहर ना निकल जाए। ऑयल पंप खोल दिया और ये लॉक सिस्टम नहीं देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। इसकी वजह से ये लोगों ने ये पट्टी ऐसी बनाई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कैसे ये बाहर आ गया। देखिए बेरिंग भी टूट चुका है, ये बेरिंग का टुकड़ा। और ये जो चक्कर है, अगर ये लॉक सिस्टम नहीं देते तो ये जो चक्कर है वो सीधा हमारा बाहर आ जाए, जैसे अभी गिर गया। अभी इसमें जो इसका आधा बेरिंग का टुकड़ा है जो इसमें फंसा हुआ है, अभी उसको भी हमें निकलवाना पड़ेगा। अभी देखते हैं वो कैसे निकाले, क्या करें। और ये एक प्लेट है कुछ, इसको भी हमें प्लेट तो साफ करके लगा देंगे। तो अभी जो है इस गाड़ी में हम ये देखेंगे हमारा जो कूलेंट सिस्टम जो है
किस तरीके से काम करता है, मतलब कूलेंट वर्किंग कैसे करता है। तो कूलेंट वर्किंग करने का सबसे पहले हम रेडिएटर में कूलेंट डालते हैं। रेडिएटर में जो कूलेंट डालते हो, कूलेंट यहाँ से बाहर आता है, यहाँ से बाहर आके हमारे इधर आता है, ये वाले पाइप में आता है। ये वाला पाइप यहाँ से पूरा कूलेंट यहाँ तक लेके फिर यहाँ पे लाके ये गैलरी में लेके आता है। ये गैलरी में जैसे आया, ये गैलरी में आया, वैसे ही हमारा पंप, जैसे कि आपको मैं बता सकता हूँ, ये पंप ऐसे हमारा इधर लगा रहता है, ऐसे बराबर हमारा पाइप इधर कूलेंट आ गया, ये गैलरी में आ गया। ये अब जैसे हम इसको वापस इधर लगाए तो ये गैलरी में कूलेंट आता है, तो ये ऐसे लगा रहता है। तो हमारा ये जो गैलरी में आया वो जाता है हमारा इधर, इधर जो घूमता है वो जाता है हमारी ये वाला जो गैलरी है, पाइप है उसके अंदर। अभी ये पाइप में जाता है तो ये पाइप जो है हमारा कूलेंट को भेजता है ब्लॉक के अंदर भेजता है। तो ब्लॉक के हमारा ब्लॉक होता है, ये जो रेडियो कूलेंट वाली गाड़ियाँ रहती है उसमें ब्लॉक के आजू बाजू एक पूरी गैलरी रहती है, जैसे थोड़ी सी जगह, उस जगह में हमारा कूलेंट घूमता है। तो वहां से हमने जैसे ब्लॉक के अंदर हमारा कूलेंट गया तो ये पिस्टन के आजू बाजू पूरा गैलरी रहता है, उसमें घूमता रहता है हमारा कूलेंट। फिर गाड़ी जब हीटिंग टेम्परेचर पे आ जाती है, जैसे कंपनी ने रेकमेंड किया रहता है कोई भी हीटिंग टेम्परेचर, जैसे हीटिंग टेम्परेचर पे आती है तो यहाँ पे हमारा रहता है थर्मोस्टेट वाल्व, यहाँ पे हमारा थर्मोस्टेट वाल्व रहता है, और ये हीटिंग टेम्परेचर है, हीटिंग टेम्परेचर सेंसर है, ये टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं वो। ये हमारा जो थर्मोस्टेट वाल्व रहता है वो खुलता है, जैसे हीटिंग टेम्परेचर पे पहुंचा तो ये खुलता है, और उसके बाद में जैसे वाल्व खुला फिर हमारी पूरी सप्लाई कंप्लीट होती है। मतलब जब गाड़ी ठंडा होता है तब वो कूलेंट की सप्लाई बंद रहती है, तब नहीं होती है। जैसे ही थर्मोस्टेट वाल्व खुला उसके हीटिंग टेम्परेचर पे, उसके बाद में ये पूरी हमारी लाइन कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से इसका कूलेंट वर्किंग करता है। तभी हमने वो पूरा सर्कुलेशन सिस्टम समझ लिया। लेकिन ये वाला जो एक पाइप है इसका क्या काम है? तो ये जो पाइप है, जब हमारा हीटिंग टेम्परेचर पे गाड़ी नहीं आती है, जैसे हमारा थर्मोस्टेट वाल्व नहीं खुला है, तब जो कूलेंट जिसने इसने लिया तो सही, लेकिन जो ज़्यादा था वो कूलेंट कहाँ जाता है? तो जो एक्स्ट्रा कूलेंट रहता है, जो अब इसको ज़रूरत नहीं है गैलरी के अंदर के बाद का जो बच जाता है, जो यहाँ से रिटर्न चला जाता है, मतलब ब्लॉक के अंदर नहीं जाता है, लेकिन ज़्यादा वो कूलेंट इसमें आ जाता है तो वो फिर वापस तुरंत यहाँ से रिटर्न भेज देता है यहाँ पे। तो इस पाइप का ये काम है। तो अभी हमारा वाटर पंप था उसको पूरा साफ सफाई हमने कर लिया है। अभी आप देख सकते हो तो यहाँ पे ये ऑयल सील बेयरिंग दो चीज़ हमारा ख़राब हो चुका था, तो उसको नया डालेंगे। बाकी छोटा मोटा ये पैकिंग और वो सब है, वो सब चीज़ हम मंगवा लिए हैं तो डाल देंगे, तो उसका कोई सैंपल हमारे पास नहीं है, तो थोड़ा बहुत काम जो सामान डालने का डाल के उसको कंप्लीट करते हैं। तो अभी हमारा सबसे पहले वाटर पंप फिटिंग करते हैं। तो फिटिंग करने के लिए सबसे पहले इसमें बेयरिंग लगेगी ये। अभी आप देख सकते हो हमारा बेयरिंग कंप्लीट बैठ चुका है। अभी हम यहाँ पे बिठाएंगे ये वाला ऑयल सील। अभी हमने ट्यूब लगा दिया है। और दूसरी बात, ये वाला जो हमारा नंबर लिखा हुआ जो है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए आप नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं, तो ये वाला भाग हमारा ऊपर की साइड पे आएगा, मतलब ये पंप ऐसे लगेगा तो ये वाला हिस्सा बाहर की साइड पे आना चाहिए। तो अभी हमने ऑयल सील बिठा दिया है और हमारा बेयरिंग भी बिठा दिया, आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, अब ऑयल सील भी कंप्लीट बैठ चुका है। अभी हम लगाएंगे ये हमारा
ये वाला चक्कर जो वाटर पंप की साइड आएगा, ये चक्कर को ऐसे आराम से हमें बिठाना है। देख सकते हो आप कितना टाइट जा रहा है, देखिए अभी ये इतना टाइट है तो मतलब लीकेज नहीं होगा। तो अभी ये चक्कर हमारा फिट हो चुका है, अभी हमें पीछे की साइड पे उसका फिटिंग करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये वाली पट्टी लगाना पड़ेगा, जो पट्टी हमारी इस तरीके से लगेगी। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको उल्टा लगाने की ट्राई करता हूँ, लगता है कि नहीं। तो अभी हमने इसे लगाया था, अभी हम इसको ऐसे लगाते हैं, नहीं लग रहा है। ये देखिए वॉल यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब बैठेगा नहीं। ये वाला वॉल यहाँ पे आना चाहिए और ये दोनों वॉल सेट होना चाहिए, दोनों स्क्रू बोल्ट का वॉल सेट होना चाहिए, ये वाला वॉल यहाँ पे सेट होना चाहिए। तो ये भाई हमारा सही है, मतलब आप किसी भी साइड बिठाओगे तो ये वाला पट्टी जो है वो नहीं लगेगा। अभी हम इसका ये लॉक वाला जो पट्टी है उसको बिठाते, तो उसको लगाने से पहले हमें इसको इस तरीके से लॉक करके सेट करना है। देखिए हो गया है अभी ये लॉक, अभी ये निकलेगा नहीं। ये फिट हो गया है, अभी ये वाला हमारा अंदर का हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो हमारा वाटर पंप की साइड है जहाँ पे पानी घूमता है, वो वाली साइड को हम कंप्लीट फिट करेंगे। अभी हमने ये सीट के ऊपर ट्यूब लगा दिया है दोनों साइड पे, अभी हम पैकिंग लगा के, ये पैकिंग हम इसमें लगा देते हैं। पैकिंग लगा के अभी इसको हम फिट कर लेते हैं। तो अभी हमारा वाटर पम्प कंप्लीट फिट हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सब जगह पे ट्यूब लगा दिया है ताकि लीकेज की दिक्कत ना आए, और अभी हम इसको लगा देते हैं। अभी जो है वाटर पंप को हमने बिठा दिया है, देखिए इधर वाटर पंप का एडजस्टमेंट ना आए तो यहाँ से इंजन को घुमाते जाना है थोड़ा थोड़ा, तो चेक करना है। तो अभी हमारा वाटर पंप कंप्लीट फिट हो चुका है, रेडिएटर का ये पाइप का क्लैंप और वो सब लगा के उसको फिटिंग कर देते हैं।